हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीके वर्सेस एफसीजी का जो फुटबॉल का मुकाबला खेला जाने वाला है उसके बारे में जानेंगे, क्या हो सकती है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और उनके रिसेंट परफॉर्मेंस के आधार पर बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 की एक बेस्ट टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आप यहां से पिच रिपोर्ट और मैच की जो वेन्यू डिटेल है आप यहां से देख सकते हैं। वहीं आपको बता देते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से क्या हो सकती है प्लेइंग 11। तो एटीके की तरफ से बात करें तो ए भट्टाचार्य और आर लालवुमा, ए विक्की, जे जॉनसन, ए मुखर्जी, ग्रेसोन, पी हालडर, बी सिंह, एम लजानकोटे, के थालात और इवर्टन संतोष। तो ये हो सकते हैं एटीके की तरफ से प्लेइंग 11। और वहीं बात कर लेते हैं एफसीजी की तरफ से प्लेइंग 11 की, तो आपको बता दें कि गोलकीपर हो जाएंगे एम नवाज और एस फ्रेंडस, एम फोल और चिंगालसाना, सी पेना, एल रोड्रिग्यूज, ए जुना, जे सिंह, एच बोमस, बी फर्नांडिस और यहाँ से एक प्लेयर हैं सी कोरोमिसे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, ये प्लेयर खेलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये हो सकती है प्लेइंग 11 एफसी गोवा की तरफ से। वहीं देख लेते हैं क्या ड्रीम 11 की टीम रहने वाली है हमारी इस मुकाबले के लिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारी क्या ड्रीम 11 की टीम रहेगी एटीके वर्सेस एफसीजी के फुटबॉल मुकाबले के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है गोलकीपर में ए भट्टाचार्य और मोहम्मद नवाज। आप जाना चाहे तो बिल्कुल ही ए भट्टाचार्य के साथ जा सकते हैं और मोहम्मद नवाज के साथ जाना चाहे तो जा सकते हैं। यहाँ से मैं प्रिफेयर करूँगा हेड टू हेड फुटबॉल लीग के लिए मोहम्मद नवाज को ही। अगर आप जाना चाहें तो इनके साथ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से मोहम्मद नवाज ही ठीक गोलकीपर रहेंगे इस मुकाबले के लिए। वही बता दें आपको डिफेंडर सेक्शन में तो आप यहाँ से ले सकते किसी अन्य प्लेयर को। मैंने यहाँ से लिया मुर्तदा फॉल को, जे जॉनसन को, यहाँ से मैंने ले लिया है सरीटो फर्नांडिस को, रिकी लालावुमा को और यहाँ से एक प्लेयर है जिन्हें मैंने पिक किया है वो अंकित मुखर्जी को। आप चाहे तो अंकित मुखर्जी की जगह किसी अन्य प्लेयर के साथ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट की इशू आने वाली है तो इसलिए मैं यहाँ पे अंकित मुखर्जी को पिक किया हूँ। आप चाहे तो बिल्कुल ही किसी अन्य प्लेयर के साथ जा सकते हैं। देख लेते हैं आपके पास और कौन से ऑप्शन हो जाते हैं। आपके पास ग्रोसन वेरिया काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं इस मुकाबले के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.5 पॉइंट दिया इन्होंने पिछले मुकाबले में, और उससे पहले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने, और देख सकते हैं 69% लोगों ने इन्हें पिक किया इस मुकाबले में। आप जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मैं इनके जगह पर यहाँ पर लिया हूँ मुर्तदा फॉल को। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन की बात करें तो एंड्रे विक्की, ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिए, तो आप बिल्कुल इनके साथ जा सकते हैं। आपको बता दें यहाँ मोहम्मद अली थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, तब इनके साथ बिल्कुल ही ना जाए। आपके पास ऑप्शन की बात करें तो खोन कीजिए, ये इसकी हो सकते हैं, और इनके अलावा तो और कुछ खास ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहे हैं। आप जाना चाहे तो यहाँ से चिंगाला सिंह के साथ जा सकते हैं, ये आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन इनके अलावा और कुछ खास ऑप्शन है नहीं तो मैं किसी अन्य प्लेयर को प्रेफर नहीं कर सकता। आप चाहे तो बिल्कुल ही जा सकते हैं, आप बिल्कुल इसके लिए स्वतंत्र हैं। वही बात कर लेते हैं मिडफील्डर की, तो मिडफील्डर में मैंने यहाँ पे लिया मुनियल लोटर्जे को, जैकी चंद सिंह को, और यहाँ से मैंने लिया है लेनी रोड्रिगेज को और अहमद जुनाव को। आप जाना चाहें तो ऑप्शन की बात करें तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे हेल्डर काफ़ी अच्छे ऑप्शन है आपके पास, कोमल तालात खेलते हुए नज़र आ जाएंगे तो ये आप ले सकते हैं, ब्रेंडन फर्नांडिस को आप ले सकते हैं, इडिविडिया को आप ले सकते हैं, लेकिन इनका शायद प्लेइंग 11 में नाम नहीं था तो इसलिए मैंने इन्हें पिक नहीं किया है। आप चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, शायद ये 50-50 चांसेस इनके खेलते हुए नज़र आ भी सकते हो नहीं भी, इसलिए मैंने इन्हें पिक नहीं किया है। और ऑप्शन की बात करें तो आपके पास यहाँ पे और कुछ खास ऑप्शन है नहीं तो आप जाना चाहे तो बिल्कुल किसी अन्य प्लेयर के साथ जा सकते हैं। आप अगर जाना चाहते हैं यहाँ से इडू वीडिया के साथ जा सकते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ह्यूगो बोमस, इनके साथ आप जा सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में मैंने केवल एक प्लेयर को पिक किया जो कि है फेरान कॉमर्सियन कोरोमियांस, फेरान कोरोमियांस को मैंने यहाँ से पिक किया है। आप चाहे तो इनके बदले जा सकते हैं यहाँ से फोरो के साथ,
यहाँ पे आपके पास संतोष काफी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, बलवंत सिंह आपके पास ऑप्शन है, तो आप इन प्लेयर के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, काफी अच्छे प्लेयर है, आप जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मैंने फिरहान कोमर्सियोस पे ही भरोसा जताया है, तो आप जाना चाहे तो किसी अन्य प्लेयर के साथ जा सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगी। तो मैंने यहाँ से कैप्टन बनाया है फरहान कोमर्सियोस को और वाइस कैप्टन बनाया है अहमद जुनाव को। आप चाहे तो वाइस कैप्टन के लिए यहाँ से सबसे अच्छे पिक हो सकते हैं आपके पास मुर्तजा फॉल या फिर जे जॉनसन, आपके लिए काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। और यहाँ पे जैकी चन सिंह है और यहाँ पे मैन्यूल भी काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो आप बिल्कुल इनके साथ जा सकते हैं। भाई देख लेते हैं टीम प्रीव्यू, आप देख सकते हैं यहाँ से गोलकीपर में मैंने रखा है नवाज को, डिफेंडर में एम फॉल, जे जॉनसन, एस्फिरान, आरला एम, और यहाँ से ए जुनाव, जे किचन सिंह, एम टर्जे, ऑलराउंड क्यूज और एफ कोमनियास। तो आप देख सकते हैं यह हमारी ड्रीम इलेवन की प्लेइंग इलेवन टीम रहेगी। आप इसके अलावा किसी अन्य प्लेयर के साथ जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं, आप एक दो चेंजेस करके जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।